सो जी, स्वागत है आपका एक और वीडियो के अंदर। और ये जो चाबी आप मेरे हाथ में देख पा रहे हो, ये चाबी हमारी बिलोंग करती है इस प्रोडक्ट को। ये है आपके सामने 2024 MG ZS EV, और इसके अंदर आने वाला ये 100 ईयर लिमिटेड एडिशन है। तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आपको मिल जाती हैं, और 2024 के अंदर ये यूनिक सी प्रोफाइल वाली गाड़ी, मतलब यूनिक सी प्रोफाइल इन दी सेंस जो पेंट जॉब है इसकी और जो थोड़े थोड़े अलग टच इसको दिए गए हैं एक स्पेशल एडिशन बनाने के लिए, क्या आपको ऑफर कर देती है, क्या वाइब आपको ऑफर करती है, उन सब चीज़ों के बारे में बातचीत करेंगे। तो ये गाड़ी है एक इलेक्ट्रिक SUV। तो अगर इलेक्ट्रिक SUVs की बात की जाए और इस गाड़ी को याद नहीं कह जाए तो ये तो देखो नाइंसाफी हो जाएगी, बट ऐसा हम होने नहीं देंगे। हम इसको कवर जरूर करेंगे आपके लिए, और एक एक चीज़ आपको बताते हैं कि क्या क्या आपको 2024 में इस गाड़ी के अंदर देखने के लिए मिल जाता है और इस एडिशन की तरफ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो अब इसकी प्राइसिंग मैं आपको बता देता हूँ। पर्टिकुलर ये 100 ईयर एडिशन के साथ आने वाली MG ZS EV आपको कॉस्ट करती है 24.18 लाख रुपीज़ एक शोरूम, 24,18,000 रुपये एक शोरूम दिल्ली फैज़ाबाद के अंदर। अब क्या क्या चीज़ें इसके अंदर आपको मिल जाती हैं उनकी एक एक करके बातचीत करते हैं, फीचर्स काउंट करते हैं। सबसे पहली चीज़ ये कुछ इस तरीके की यहाँ पे चाबी आपको देखने के लिए मिलती है। दो चाबियाँ आएंगी, सेम आएंगी, सेम कंट्रोल्स के साथ आएंगी। यहाँ पे आप देखोगे तो डोर्स को लॉक करने के लिए बटन है, अनलॉक करने के लिए बटन है, और इस बटन को होल्ड करके रखोगे तो आप अपना बूट जो है वो यूज़ कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पे पीछे MG का लोगो है थोड़ा रेड इंसर्ट्स के साथ, तो अभी इसके ऊपर ये नंबरिंग वगैरह रख के, तो ये कुछ इस तरीके की काफ़ी हैंडी सी प्रीमियम सी की है, इसको अभी रख लेते हैं पॉकेट में। प्रोडक्ट की हम बातचीत करें तो ये आपकी स्क्रीन के ऊपर इसकी डायमेंशंस मैंने शो कर दिए हैं, आप देख लेना, आपको आइडिया लग जाएगा कि ये कितनी लंबी है, कितनी ऊंची है, कितनी चौड़ी है। अभी एक एक करके चीज़ों के बारे में बातचीत करते हैं। पहली चीज़ आप मुझे इस कलर के बारे में बताओ, थोड़ा पास से आपको दिखाता हूँ। ये देखो किस तरीके का कलर है, एवरग्रीन है इस कलर का नाम, और ये डुअल टोन वेरिएंट आप इसका देख रहे हो। नीचे से ये ग्रीन है, ऊपर की साइड से रूफ जो है ग्लॉसी ब्लैक है। तो अभी एक एक करके चीज़ों के बारे में बातचीत करें तो सामने से आप जो ये हेडलैम्प यूनिट देख पा रहे हो, ये देखो एक बार पूरा दिखा देता हूँ अल्ट्रा वाइड पे, कुछ इस तरीके से है पूरी प्रोफाइल। तो यहाँ पे जो ये हेडलैम्प यूनिट आप देख पा रहे हो, ये एक सिंगल प्रोजेक्टर के साथ आती है जो कि आपको वाइट लाइट ऑफर करती है। यहाँ पे इसके DRLs हैं, ऊपर की साइड इसके इंडिकेटर्स हैं, और काफ़ी प्रीमियम वाइट लाइट ये गाड़ी आपको ऑफर करती है। रात के टाइम मैंने चलाई हुई है तो आपको बता सकता हूँ, इंस्टाग्राम पे भी मैंने मतलब इसकी जो लाइट्स का थ्रो है वो शेयर किया, तो आप जाके चेकआउट भी कर सकते हो YD कार रिव्यूज़ पे ही, सेम इस नाम से ही ID आपको मिल जाएगी। बाकी सामने से ग्रिल जो है वो एकदम क्लोज आती है। इसका चार्जिंग पोर्ट है आगे की साइड इस कैप के अंदर यहाँ पे, और यहाँ MG का लोगो है। कैमरा की प्लेसमेंट यहाँ पे मिल जाती है, यहाँ पे इसकी नंबर प्लेट आएगी, और ये है कुछ इस तरीके की प्रोफाइल। नीचे थोड़े सिल्वर हाईलाइट आपको मिल जाती हैं, ये इसके डिज़ाइन एलिमेंट्स वगैरह हैं। ये एयर इनटेक के लिए नीचे वाली ग्रिल पे थोड़ी स्पेस आपको मिल जाती है। सो ये है फ्रंट की बातचीत। अभी इसके ऊपर कुछ चीज़ें और लगी हुई हैं, जैसे कि ये ग्राफिक्स वगैरह आप देख सकते हो, ये अपनी एक्सेसरीज़ देख सकते हो। तो आपका डिसीजन है, आप बताओ ये कैसी लग रही हैं, इस कलर के साथ मैच कर रही हैं, नहीं कर रही हैं, एक अलग सा स्टांस दे रही हैं, नहीं दे रही हैं, आप मुझे बताओ कॉमेंट्स में। बाकी कलर आपको कैसा लग रहा है वो भी आप मुझे कॉमेंट्स में बताओ। साइड में इलेक्ट्रिक मैंशन है क्योंकि इलेक्ट्रिक SUV है ऑब्वियसली। और इसके लोअर पार्ट की हम बातचीत करें, लाइक इसके क्लैडिंग वगैरह की बातचीत करें, तो आप एक बार ये देखो रेशियो देखो आप क्लैडिंग का, इतनी बड़ी SUV के ऊपर जो अमाउंट है क्लैडिंग का वो काफ़ी शानदार है, मतलब परफेक्ट सी लगती है, ना ज़्यादा लगती है ना कम लगती है। और गाड़ी की जो प्रोफाइल है उसको ऐसा दबाती नहीं है कि एकदम से नज़र जाए तो सीधी क्लैडिंग पे नज़र जाए, वो चीज़ यहाँ नहीं है। बाकी यहाँ पे टायर्स वगैरह की बातचीत करें तो यहाँ पे जो टायर्स हैं वो आपको मिलते हैं सीएट के फिलहाल जो अभी इंस्टॉल हैं यहाँ पे, और टायर सेक्शन जो है इनका वो है 215/55 R17 17 इंच के कुछ ऐसे आएंगे। ये अलॉय व्हील्स हैं, इसके ऊपर ये व्हील कैप्स हैं, इनको निकालोगे तो बहुत ही खूबसूरत अलॉयज इसके अंदर से निकल के आएंगे। आप भी बोलोगे कि क्यों ही दिए हुए, बट ये भी अच्छे लगते हैं। और आगे और पीछे आपको इसमें डिस्क ब्रेक ही देखने के लिए मिलती हैं। और इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की बातचीत करें तो ऑलमोस्ट 177 mm के आसपास की ग्राउंड क्लियरेंस भी आपको ऑफर कर देती है। साइड डोर पैनल्स पर भी आप देखोगे तो ग्राफिक्स आपको दिए हुए हैं, कलर के साथ अच्छा मैच कर रहे हैं वैसे, ग्लॉसी ब्लैक ORVMs इंडिकेटर्स के साथ हैं। यहाँ पे कैमरा की प्लेसमेंट आपको मिल जाती है, और ये सेम वही एक्सेसरीज वाले पार्ट्स यहाँ पे आपको दिए हुए हैं। और साइड डोर पे जो बेडिंग है, और ये वाला पार्ट जो है ये थोड़ा ग्लॉसी आपको मिलता है, और ये इसकी साइड प्रोफाइल आप देख लो। और बॉडी कलर्ड डोर हैंडल्स हैं, क्रोम का ट्रीटमेंट यहाँ पर है, रिक्वेस्ट सेंसर है दोनों ही साइड, प्लेन विंडोज़ हैं, ये पिलर जो है मैट ब्लैक दिए हुए हैं, फ्रेम लाइन जो है प्रॉपर क्रोम की मिलती है आपको, रूफ रेल्स दी हुई हैं, और डुअल टोन है जो अपनी कलर थीम है, डुअल टोन है तो ऊपर ही साइड से एकदम ग्लॉसी ब्लैक है, पूरी पैनोरामिक सनरूफ आती है यहाँ पे। और शार्पन एंटीना है, स्पॉयलर है, स्टॉप लैंप है, डिफॉगर है, वाइपर है, LED टेल लैंप्स आते हैं, शानदार ZS EV यहाँ पे मेंशन है,
100 ईयर एडिशन का जो बैज है वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, अलग से दिया हुआ है, आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से। इस MG के लोगो को आप कुछ इस तरीके से ट्विस्ट करोगे तो आप अपना बूट जो है वो एक्सेस कर सकते हो। पार्सल ट्रे है, ऑलमोस्ट 450 लीटर्स के आसपास की बूट स्पेस यहाँ पे मिल जाती है। बूट लैंप है और काफ़ी अच्छा अमाउंट आपको मिल जाता है अगर आप कंपेयर करते हो इसे इसकी सेगमेंट की किसी भी गाड़ी से, तो यहाँ पे अच्छा खासा अमाउंट आपको ऑफर कर देती है बूट स्पेस में भी। अब इसको कर लेते हैं बंद और कुछ चीज़ें और हैं उनकी बातचीत करते हैं। लाइक ये भी आप देख सकते हो यहाँ पे थोड़े ग्लॉसी ट्रीटमेंट दिए हुए हैं। नीचे एक साइड बम्पर पे आप देखोगे तो यहाँ पे रिफ्लेक्टर्स हैं, रियर पार्किंग सेंसर्स हैं, रिवर्स कैमरा है, नंबर प्लेट यहाँ पे आएगी और सेम ग्लॉसी ब्लैक और ये थोड़े सिल्वर पार्ट्स आपको यहाँ पे भी मिल जाते हैं। तो ये थी सारी चीज़ें और एक बार इधर की साइड से भी आप देख लो क्लियर व्यू। ये देखो कैसी लग रही है आप बताओ मुझे कमेंट्स में। अभी चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर में, इंटीरियर में क्या क्या चीज़ें आपको मिलती हैं इस कलर थीम से हटके वो आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं रिक्वेस्ट सेंसर आपको मिल जाता है। अब भी ड्राइवर साइड डोर की बातचीत करें, प्रीमियम चीज़ों की बातचीत करते हो तो केबिन इसका जो है डेफिनेटली काफ़ी प्रीमियम लगता है। वीडियो में तो चीज़ें समझ नहीं आती बट एक्चुअल लाइफ में जब आप बैठोगे तो आपको समझ में आएंगी। जो इसका टच है, जो इसकी फील है, वो डेफिनेटली काफ़ी प्रीमियम है। अभी डोर पैनल आपको दिखाऊं तो यहाँ पे एक सिल्वर स्ट्रिप मिल जाती है, डोर लिवर है, काफ़ी स्टडी है। डोर्स के लॉक यहाँ पे मिल जाते हैं, चारों पार विंडोज़ हैं, विंडोज़ के लॉक हैं, प्रॉपर सॉफ्ट टच है। रेड कलर की स्टिचिंग वगैरह यहाँ पे की हुई है, ये भी सॉफ्ट टच है। स्पीकर है, बोतल होल्डर है और सीट्स देखो, और ये देखो किस तरीके की फिनिशिंग है सीट्स के ऊपर, एकदम फाइन लगती हैं देखने में। कोई मतलब ऐसे मतलब कहीं से रिंकल्स वगैरह नहीं है सीट्स के ऊपर, आप देखोगे तो काफ़ी फाइन जो है स्टिचिंग इनकी की हुई है। फ्रंट हेड रेस्ट है, इनके ऊपर ये मार्किंग भी की हुई है MG 100 ईयर एडिशन की, तो ये भी आप देख सकते हो ग्रीन कलर में हाईलाइट किए हुए हैं ये। और ये है पूरा केबिन व्यू, आप देख सकते हो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट के साथ आपको सीट मिलती है और ये चीज़ जो है काफ़ी अच्छा सपोर्ट देती है। अगर आप लंबा इस गाड़ी को चलाते हो तो आपको थकान नहीं होने देगी। मैंने इसको काफ़ी लंबा चलाया हुआ है तो वो एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और नीचे की साइड दो पेडल्स हैं, इधर की साइड डेड पेडल के लिए प्रॉपर प्लेसमेंट आपको मिलती है। ORM के इलेक्ट्रिकल कंट्रोल्स हैं, लाइट लेवलिंग डायल है। अपना डैशबोर्ड के ऊपर भी देखोगे तो सॉफ्ट टच है, ये पूरा सॉफ्ट टच है। और ये एक बार देख लो स्टेयरिंग व्हील वगैरह कुछ इस तरीके से हैं। और अभी चलते हैं इंटीरियर में, इंटीरियर की बातचीत करते हैं। तो कम्फर्टेबल भी है और प्रीमियम भी ये लगती है, ये मैं जस्ट ऐसे ही आपको नहीं बता रहा हूँ, बेशक आप मेरे वर्ड जो है वो मार्क कर लेना और एक बार एक्सपीरियंस करना इसको, आपको समझ में आ जाएगा कि गाड़ी कितनी मतलब चीज़ें सिंपल हैं, सोबर हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की मतलब कोशिश नहीं करी है कंपनी ने, उस वजह से काफ़ी प्रीमियम लगती है। अब किसी किसी को ये चीज़ें पसंद आ भी सकते हैं और किसी किसी को चीज़ें थोड़ी ज़्यादा मतलब ऐसे फंकी सी लगें वो अच्छी लगती हैं, तो अपना अपना टेस्ट है यहाँ पे। बाकी मुझे अच्छा लगता है इसका केबिन व्यू और जिस तरीके से फील कराती है ये, वो मुझे पर्सनली अच्छा लगता है। अभी ऑन कर दिखा देता हूँ, यहाँ पे आती है एक बटन, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, जिसे एक बार ऐसे दबा दोगे इंफोटेनमेंट सिस्टम यहाँ पे ऑन हो जाता है। और सेकंड टाइम जब उसको मैं ऑन कर दूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये कुछ इस तरीके से ऑन हो जाता है क्लस्टर। और एक सेकंड विंडो जो है इसको चढ़ा लेते हैं, ये वन टच अप डाउन आती है ये, और ये वाला फीचर भी यहाँ पर आपको मिल जाता है। ये फुल्ली डिजिटल है, इधर की साइड स्पीड आती रहेगी, इधर की साइड पावर कंजप्शन क्या हो रही है वो आपको दिखती रहेगी। ये आपकी जर्नी से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो आपको यहाँ दिखती रहेंगी, कितनी देर से आप गाड़ी चला रहे हो और कितना चला चुके हो। और ऊपर की साइड इसकी जो इको मोड वगैरह है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो अभी नॉर्मल मोड के ऊपर है, तो अभी रेंज दिखा रही है कि नॉर्मल मोड पर आप चलते हो तो 142 किलोमीटर्स की रेंज है यहाँ पे। इधर साइड परसेंटेज में भी दिखता रहेगा। और ये इसी के साइड में आप देखोगे 1X पे दिखाता हूँ आपको, ये जो 3 यहाँ पे लिख के आ रहा है ये चीज़, ये वाली चीज़, ये बेसिकली इसके कर्स मोड हैं जो कि आप यहाँ से कर सकते हो। बेसिकली रीजनरेशन मोड्स इनको आप कह सकते हो, Level 1, Level 2, Level 3 इस तरीके से आते हैं, 3 कर्स मोड आते हैं इसके अंदर। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। और यहाँ की बातचीत करें तो इधर साइड हेडलैम्प और इंडिकेटर्स के कंट्रोल हैं, यहाँ पर वाइपर्स के कंट्रोल आपको मिल जाते हैं, थोड़ा अपोजिट आते हैं इसके अंदर, ये आप देख सकते हो जिस तरीके से। स्टेयरिंग व्हील की बातचीत करें तो ये आप देख सकते हो फुल्ली लेदर रैप स्टेयरिंग व्हील है, और इसकी एक्यूरेसी क्या मतलब ज़बरदस्त चलती है रोड पे, मज़ा आ जाता है, बहुत स्मूथ राइड है इसकी, थकने नहीं देती है, सबसे बड़ी एडवांटेज इसके पास मुझे ये लगती है। बाकी यहाँ पे अपने मीडिया के कंट्रोल्स हैं, यहाँ पे इस MID के कंट्रोल्स हैं, मतलब ये बीच में जो डिस्प्ले है क्लस्टर की, ये सारी चीज़ें।
ये देखो आप कुछ इस तरीके से यहाँ से कर सकते हो। क्रूज कंट्रोल का लेवर भी है वो यहाँ पे नीचे की साइड दिया हुआ है, नीचे से फ्लैट बॉटम है, फुल्ली लेदर रैप्ड है, MG का यहाँ पे लोगो है। और डैशबोर्ड दिखाता हूँ एक सेकंड में, ऊपर की साइड से देखोगे तो पूरी पैनोरामिक सनरूफ है, इधर की साइड वैनिटी मिरर है, एयरबैग की वेजिंग है, मटेरियल जो है चीज़ों का वो काफ़ी सॉलिड है। यहाँ पे आप देखोगे सनरूफ के प्रॉपर कंट्रोल्स दिए हुए हैं, इधर की साइड ये वाइट लाइट आती है, एक सेकंड चला के दिखाता हूँ आपको, एक सेकंड। तो ये देख लो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको मिलती हैं वाइट लाइट, पैसेंजर एयरबैग रिमाइंडर है, ऑटो डिमिंग IRVM, इधर साइड टिकट होल्डर की प्लेसमेंट भी है और वैनिटी मिरर भी यहाँ पे दिया हुआ है। अभी डैशबोर्ड की बातचीत करें तो लेआउट्स देखो काफ़ी अच्छे हैं, मतलब ऐसा नहीं लगता है कि पुराने हो चुके हैं, कुछ अपडेट की ज़रूरत है, अपडेट हो जाएंगे तो बहुत अच्छी चीज़ है। बाकी ये चीज़ें भी काफ़ी मतलब सोबर लगती है, मुझे मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ, आप अपने ओपिनियंस मुझे बताओ। AC वेंट साइन के ऊपर भी सिल्वर हाईलाइट है, अपना ये क्रोम के लाइंस वगैरह मिल जाती हैं, हेजरलाइट की बटन है, टस्की इन्फोटेनमेंट सिस्टम है जो कि एंड्रॉयड और एप्पल कारप्ले के साथ आएगा, नीचे अपनी AC से रिलेटेड कंट्रोल्स आपको दिए हुए हैं। और नीचे की साइड देखोगे तो यहाँ पे आपको एक 12 का चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है कुछ इस तरीके का, एक टाइप सी पोर्ट है और एक USB पोर्ट है, वायरलेस चार्जर यहाँ पे है, मोड्स हैं, कर्स के लिए अलग से बटन है, बैटरी वगैरह जो है यहाँ से आप देख सकते हो, एक बटन दबाते ही सब कुछ यहाँ पे ऐसे स्विच हो जाता है। तो ये चीज़ें हैं और ये मेन इसका डायल है जिससे आप इसको शिफ्ट करोगे, रिवर्स में जाना है, न्यूट्रल करनी है गाड़ी या फिर ड्राइव पे। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक आपको मिल जाती है। और यहाँ की बातचीत करें तो कप होल्डर्स के अंदर भी आप देख सकते हो अच्छी खासी स्पेस मिलती है और ये टनल काफ़ी क्लीन लगेगी आपको, आप देखोगे ना तो काफ़ी क्लीन टनल आपको लगेगी, लेदर वर्क जो है काफ़ी फाइन है। आर्मरेस्ट की बातचीत करें तो अच्छी खासी बकेट आपको मिलती है, यूज़ कर सकते हो आप इसको अच्छे तरीके से। बाकी ग्लो बॉक्स की बातचीत करें तो ये आप देख सकते हो अच्छा अमाउंट मिलता है ग्लो बॉक्स के अंदर भी, अपना पेपर वर्क जो है आप इजीली रख सकते हो। बाकी ये हैं सारी चीज़ें, यहाँ से कुछ रह जाए तो प्लीज़ पूछना कमेंट्स में। और अभी चलते हैं गाड़ी की रेयर सीट पे, पीछे क्या कंट्रोल है, क्या कंफर्ट है वो भी आपको एक बार दिखा देता हूँ फटाफट से, ये देख लो। बाकी बताओ मुझे कमेंट्स में क्या ख्याल है आपका इस इंटीरियर के बारे में। अभी चलते हैं गाड़ी की रेयर सीट पे, पीछे क्या चीज़ें हैं और क्या आपको अलग मिलता है इसके अंदर वो भी आपको दिखा देते हैं एक बार। यहाँ पर डोर पैनल्स आप देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल एकदम फाइन है चीज़ें, मतलब स्मूथ टेक्सचर आपको लगेगा चीज़ों का। यहाँ पे सिल्वर हाईलाइट दी हुई है, डोर लेवर एज इट इज़ काफ़ी ज़्यादा स्टडी है, पावर विंडो की कंट्रोल है, फुल्ली सॉफ्ट टच यहाँ पे दिया हुआ है, लेदर ही लेदर दिया हुआ है, स्पीकर है, बोतल होल्डर है। और ये आप देख सकते हो पीछे से एक बार सारी चीज़ें, ये भी आप देख लो काफ़ी ज़्यादा फाइन तरीके से जो लेदर वर्क है वो यहाँ पर किया गया है। आप यहाँ देख सकते हो पीछे तीनों एडजस्टेड हेडरेस्ट है, आगे भी एडजस्टेड हेडरेस्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हो आर्म रेस्ट है कप होल्डर्स के साथ है। और अभी चलते हैं इंटीरियर में, बातचीत कर लेते हैं स्पेस वगैरह की, तो यहाँ पे भी आपको मज़ा आएगा। एक सेकंड इसको बंद कर लेते हैं, एक नंबर की थड़ आती है, मतलब लगता है कि यहाँ पे एक सॉलिड चीज़ पे पैसा जो है वो डाल दिया है। लेग रूम आप देख सकते हो, थाई रूम में थोड़ा बहुत इशू आपको होगा क्योंकि मेनली बैटरी जो है EV कार्स की वो नीचे की साइड प्लेस्ड होती है, तो थोड़ा सा 19-20 का कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना पड़ेगा यहाँ पे थाई रूम में। बाकी हेड रूम आप देख लो मेरे पास कितना है, मैं आराम से यहाँ पे बैठा हूँ, 5'9" मेरी हाइट है और ये आगे वाली सीट भी मेरी हाइट के हिसाब से एडजस्टेड है। रेयर AC वेंट्स हैं, एक USB पोर्ट है और एक टाइप सी पोर्ट यहाँ पे है, पॉकेट मिल जाती हैं दोनों ही साइड। और यहाँ पे आप देख लो ये कुछ इस तरीके का फोल्डर्स आपको मिल जाते हैं, बढ़िया एकदम, और काफ़ी स्टडी है ये आर्मरेस्ट भी, 1, 2, 3 ग्रैब हैंडल्स आते हैं कुछ इस तरीके के, ये भी शानदार और काफ़ी बढ़िया से पैनोरामिक सनरूफ आती है। तो अगर आपको ऐसा कुछ चाहिए तो आप डेफिनेटली जा सकते हो इसके लिए। और ये पीछे से कुछ ऐसा दिखता है डैशबोर्ड का व्यू, ये आप देख लो शानदार, मतलब उलझी हुई सी नहीं लगती है गाड़ी, सिंपल लगती हैं सारी चीज़ें, तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी इस गाड़ी को समझने में। 1 घंटा मैक्स टू मैक्स, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसके साथ छेड़खानी कर दो, 1 घंटे के अंदर सारी चीज़ आपको समझ में आ जाएंगी कि चीज़ें किस तरीके से वर्क करती हैं इसके अंदर। पर्सनली चलाई हुई है, 2-3 दिन तक मेरे पास थी, एज ए मास कार में लेके आया था इसको, तो 2-3 दिन मैंने चलाई थी, बहुत ही ज़्यादा ईजी टू ड्राइव है, मतलब मज़ा आ जाता है, ट्रैफिक हो हाईवे हो स्मूथ राइड है इसकी एकदम। सो ये सारी चीज़ें थी। अब इसकी जो मोटर वगैरह है वो आपको दिखा देता हूँ, क्या पावर फिगर से डेवलप करती है वो आपको बता देते हैं, और चार्जिंग टाइम वगैरह क्या है वो भी आपके साथ शेयर कर लेते हैं। बाकी यहाँ से कुछ रह जाए तो प्लीज़ पूछना कमेंट्स में। अभी चलते हैं सीधा इसके हुड की तरफ। सो बात करते हैं इस गाड़ी के दिल के बारे में, जो है इसकी मोटर और इसका बैटरी पैक। तो ये गाड़ी अपने साथ कैरी करती है 50.3 किलोवाट आर का बैटरी पैक, जो कि आपको डेवलप करके देता है ऑलमोस्ट 174 BHP, 280 Nm का टॉर्क और गजब की पावर है ये। मतलब अगर आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है इस गाड़ी को
तो ये आपके मतलब जो है रोंगटे खड़े कर देगी, इतनी गजब की थ्रिलिंग पावर है इसके अंदर। चार्जिंग टाइम की बातचीत करें तो अगर आप इसको चार्ज करते हो 7.4 किलोवाट के चार्जर से तो ऑलमोस्ट 9 घंटे के आसपास लेगी। फास्ट चार्जर से चार्ज करते तो ऑलमोस्ट लेगी 45 मिनट के आसपास 0 to 80 होने में। और इसकी एक्सलेशन की बातचीत करें तो 0 to 100 होने में लेती है ये ऑलमोस्ट 8.5 सेकंड्स। बाकी यहाँ पे आप देखोगे तो इंसुलेशन पैडिंग भी आपको मिल जाती है, जो कि ईवी के अंदर मतलब एक प्लस पॉइंट ही आपको मिल रहा है यहाँ पे, क्योंकि आवाज़ तो कुछ करती नहीं है। और ये है इसका पूरा मोटर वगैरह, और ये आप देख सकते हो वायर वायर आपको दिखेंगी। अभी एक सेकंड इसको बंद कर लेते हैं, फिर मिलते हैं फटाफट से। सो ये थे आपके सामने 2024 MZ ZS EV, ये इसका 100 ईयर लिमिटेड एडिशन था। इस कलर टोन के साथ ये गाड़ी कैसी लग रही है? अगर एज ए इलेक्ट्रिक SUV आप इसको कंसिडर कर रहे हो तो इसकी तरफ जाओगे या नहीं जाओगे, और इस एडिशन के साथ आप इस तरफ जाओगे या नहीं जाओगे मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर से बताना, और एक कलर टोन आपको कैसी लग रही है वो भी मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बताना। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और हम फिर मिलते हैं इस वीडियो में। तब तक के लिए बाय।